सिर उडारिया में आखिरकार वो पल आ गया जिसका इंतजार दर्शकों को था। आपको बताते चले कि यहाँ पर अंगद और फतेह की मुलाकात हो जाती है, जहाँ अंगद फतेह से कई सवाल पूछता है और पूछता है कि आखिर क्यों तुमने ये सब किया। फतेह सब कुछ बताता है कि वो अब तेजो को खुश देखना चाहता है। अब वो चाहता है कि तेजो अंगद के साथ रहे, वो चाहता है कि दोनों खुश रहें। अंगद कहता है फतेह से, फतेह सचमुच तुम ऐसा चाहते हो? मैं सचमुच तेजो से शादी कर लूंगा, फिर बाद में तुम पछताओगे तो नहीं? यहाँ पर फतेह कहता है, ये आप कैसी बात कर रहे हो? अंगद कह रहा है कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई, तुम्हारा कोई ठीक नहीं है, तुम कभी भी पलट जाते हो। फतेह कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वल ये सब तो हो जाएगा। अब यहाँ पर अंगद ने फतेह से साफ कर लिया है। अभी अंगद ने ये नहीं बताया है कि उन लोगों की सगाई नहीं हुई है, यानी कि अंगद और तेजो की सगाई नहीं हुई है, वो लोग झूठा खेल खेल रहे थे, ये सब अंगद ने नहीं बताया है फतेह को। वेल, अब आपको बताते चले कि यहाँ पर अब कल के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जब अंगद घर लौट कर आएगा तो वो सच बताएगा तेजो से। जी हाँ, वो कह देगा कि आपको मार्केट में जो आप फंसी थी उसमें आपको बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि फतेह था। और इसके बाद वो ये भी कह देगा कि वो शर्मा जी के यहाँ रह रहा है। ये सुनने के बाद तेजो कुछ भी नहीं सुनती है, वो दौड़ी भागती चली जाती है शर्मा जी के घर पे, जी हाँ, जहाँ पर फतेह होता है। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि पीछे पीछे अंगद रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फतेह नहीं रोकेगी, सीधे पहुंच जाएगी तेजो फतेह के पास, जहाँ तेजो और फतेह की मुलाकात होगी। बड़ा ही इमोशनल मिलन होने वाला है कल के एपिसोड में, जो आप देखेंगे तो आप भी काफी इमोशनल होने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब ट्रेजर न्यूज़।